बाइक रेडी हो गई है, ये बैग बांध दिया मैंने और सभी निकल रहे हैं अभी। ये देखिए सर आ रहा है, मगर मेरा नाक बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो गाइस यहाँ हम बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि कानवाई खुल जाए तो हम चले जाएं, मगर कानवाई खुल नहीं रही। हम यहाँ मौसम का आनंद ले रहे हैं, क्या पता खुलेगी या नहीं कानवाई। ये देखो ऊपर बर्फ़ पड़ी यहाँ पे कितनी ज़्यादा, ये देखिए। तो अपने बंदो गाइस, तो अभी हम यहाँ जा रहे हैं घूमने थोड़ा बाहर। आज हम द्रास में रुके, द्रास से थोड़ा सा आगे में, तो वहाँ पे आज कानवाई श्रीनगर की ओर की है, यहाँ से बंद है कानवाई। तो अभी कुछ बाहर जा रहे हैं हम घूमने, कुछ अभी बस चाय भी हमने, ठंड बड़ी ज़्यादा है। पीछे देख पा रहे हो कि बर्फ़ है यहाँ, ये देखो पीछे सारी बर्फ़ दिख रही है आपको। हमने टूरिस्ट वगैरह सभी यहाँ पर रुके हैं क्योंकि कानवाई बंद है, तो सभी यहीं पर रुके हैं। ये छोटा सा गाँव है, ये पर पहाड़ियाँ हैं, चारों तरफ पहाड़ियाँ और बीच में लोगों ने मकान बनाए हुए हैं। हाँ सड़कों पे हम घूम रहे हैं, तो ये देखिए साइड पे अभी भी बर्फ़ है। अभी मई महीना है, मई का महीना है, मगर बर्फ़ अभी भी है। ये देखिए, ये देख पा रहे हो आप, ये वाली बर्फ़ है, कितनी मोटी परत है बर्फ़ की, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये देखो, ये दिख रही है आप, दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो बर्फ़ यहाँ पे अभी भी है। ये पहाड़, ये देखिए, ये पीछे ट्रक लगे हुए हैं, कानवाई रुकी है तो ट्रक यहाँ तक लाइन लगी है ट्रकों की, कुछ वो इधर लगे हुए हैं। तो पानी की आवाज़ आ रही होगी यहाँ पे, तो छोटा सा दरिया भी बह रहा है क्योंकि ऊपर ग्लेशियर घुल के आ रहे हैं नीचे पानी इनका, तो उसकी वजह से ये पानी ज़्यादा है यहाँ पे, नहीं तो सर्दियों में बिल्कुल कम रहता है पानी यहाँ पे। तो अभी जो रास्ता गाँव से आता है हम उस रास्ते से आए हैं, तो ये गाँव वालों के घर हैं, ऐसा रास्ता आता है गाँव के लिए। वो जहाँ पे ट्रक लगे हुए ना, ये मेन रोड है और ये लिंक रोड है अंदर के लिए। ये दुकान है, ये ऊपर देखिए बर्फ़ है, वो सामने ये वाली दिख रही है ना, ये वाली, ये जुजिला पास यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मतलब पहाड़ी यहीं से स्टार्ट है, जुजिला पास आ गया है थोड़ा। मेरे साथ सीन हो गया था, वही कैमरे वाला कैमरा ख़राब हो गया है, उसकी बैटरी शायद बैटरी का कुछ इशू आ रहा है, तो जल्द ही घर में जाके मैं उसको नहीं ले लूँगा बैटरी, एक और रोटी प्लान करेंगे, फिर आपके साथ हम जुटते रहेंगे और घूमते रहेंगे, तो आपको अच्छी अच्छी जगह दिखाते रहेंगे अपने इस YouTube के द्वारा, इसके YouTube से वीडियो डाल के आपको दिखाते रहेंगे जहाँ जहाँ हम जाएंगे। तो जितना भी मेरे से व्लॉग हो पाता है मैं फ़ोन से ज़रूर करता हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन की इतनी ज़्यादा क्लैरिटी भी नहीं है, तो अगर क्लैरिटी थोड़ी कम हो तो अवॉइड करना। वो देखो बच्चे खेल रहे हैं सामने, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं कुछ सड़क में, देख रहे कुछ पता नहीं क्या खेल रहे हैं ये, तो चलते हैं इनके पास। इतनी बर्फ़ है, ये देखो लोगों के घरों के पीछे भी कितने कितने ढेर लगे हुए हैं बर्फ़ के। तो अभी ये महीना मई का है, तो ये हाल है यहाँ के, तो जनवरी में कैसा हाल रहता होगा यहाँ पे, तो आप सोच के बताइए कमेंट में। सामने से मेन रोड हाईवे है, ये ले वाला हाईवे है, ये वाला हमारा होटल है, ये वाला जो ग्रीन सी आपको ऊपर से टीम दिख रही है, ये हमारा होटल है। तो यहाँ से ये सीधा रोड गया, ये यहाँ से वो ऊपर जाएगा, यहाँ से ये जो बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं इनको काटता होगा उस पार चला जाएगा श्रीनगर की ओर। तो यहाँ पर आप आए ज़रूर, ये नज़ारे देखिए, मगर आना थोड़े 10-12 दिन के बाद। अभी वही रहता है सिस्टम, कानवाई का सिस्टम रहता है, कभी ऊपर की छोड़ते कभी नीचे की, ऐसे आदमी खज्जल हो जाता है यहाँ पे। तो 10-12 दिन के बाद आना, तो मनाली वाला रोड भी खुल जाएगा तब तक, फिर मज़े लेना आप। हमें वापस मनाली वाले रूट से जाना था, मगर क्या करें, किस्मत एक ऐसी और साथ में रास्ते बंद थे, इसीलिए हम वहाँ से जा नहीं पाए। तो ठंड आपको पता चल रहा होगा मेरे फेस से ही कितनी ठंड है, नाक मेरा बिल्कुल रेड हो चुका है अभी, ठंड है इतनी ज़्यादा यहाँ पर, हवा बड़ी ठंडी चल रही है। तो गाइज़ अभी हम आए हैं कुछ ऐसी जगह पे, आपको दिखाता हूँ मैं,
और मेरा नाक ओंठ बिल्कुल लाल हो चुके हैं ठंड के कारण। और ये पीछे मेन रोड है ये वाला, इधर गाड़ियाँ चल रही हैं, पीछे दिख रही होगी आपको गाड़ी, स्कॉर्पियो चल रही है। तो ये देखिए, ये पीछे बर्फ़ है, स्नो, ये देखिए, आय हाय क्या नज़ारा है यहाँ पे। ठंड बड़ी ज़्यादा है मगर मेरा नाक बिल्कुल ठंडा हो चुका है। वो देखो, ये देखो, ये पीछे दिख रहे हैं ना, ये कहाँ 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 कहाँ, ये वाली बड़ी ज़्यादा स्नो है, ये वाली। अब ब्लॉक का नज़ारा लें, मेरे नज़ारे तो निकले हैं, ठंड बड़ी ज़्यादा है, हाथ बिल्कुल ठंडा हो चुका है। वो देखो भाई कहाँ गया ऊपर, वो देखो वो दिख रहा होगा आपको, वो ऊपर गया भाई मेरा। तो मैं भी चलता हूँ ऊपर आपके साथ, जाऊँ कैसे बर्फ़ से जाऊँ, बर्फ़ में ना दस जाऊँ, पक्की तो हुई है बर्फ़ बिल्कुल। हाँ चलते हैं, बस वो ऊपर जा रहा है भाई, उसके पास चलते हैं, कितना टाइम लगता है देखते हैं। बस करो यार, बड़ा अर्धा बनानी है मेरी, मेरी हिम्मत नहीं है ऊपर जाने की, बड़ी ठंडी चल रही है। ओह यहाँ पे खड़े होंगे पत्थर पे, बड़े ऐसे पत्थर, ये हम खड़े हैं यहाँ पे। ओह बर्फ ही बर्फ हर तरफ, कोरा ही कोरा, और में हमारी जान निकल रही है, ठंड बड़ी ज़्यादा है। ये मई का महीना है यहाँ पे, वो दिसंबर जनवरी में क्या हाल होता होगा, आप सोच के सोच सकते हो क्या हाल होता होगा, अब इतनी ठंड है। गाइस तो आपका फिर से स्वागत है आज एक और वीडियो के साथ। अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं, हम रेडी हो चुके हैं, हमारा सामान रेडी हो चुका है। ये मेरा बैग है, ये दोनों मेरे बैग हैं, हेलमेट, ग्लव्स, गॉगल्स, वो फेस पे डालने वाला। और ये देखिए यहाँ बाहर का व्यू, आप थोड़ा ये देखिए, तो गाड़ियाँ जा रहे हैं वहाँ से जाएंगे हम, ये ऊपर ऊपर धूप लग गई है अभी, रोहतांग पास की पहाड़ियों पे, यहाँ पे ऊँची ऊँची पहाड़ी, यहाँ पे धूप लगी है, गाड़ियाँ चल रही हैं, ये देखिए। अब हम भी निकलते हैं यहाँ से, नहीं तो लेट हो जाएंगे फिर। बाइक रेडी हो गई है, ये बैग बांध दिया मैंने, और सभी निकल रहे हैं अभी, ये देखिए सब निकल रहे हैं यहाँ से, तो अभी हम भी निकलते हैं। आज अभी 10 बजे हैं, तो हम अभी पहुंचे हैं श्रीनगर में। तो ये देखिए, ये योगा डाली थी ना मैंने कैप से, ये पूरा इसने यहाँ पे निशान बना दिया, ये बहुत दर्द किस चीज़ की हो रही है यहाँ पे। तो अभी बस ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पे, तो ब्रेकफास्ट किया नहीं आज सुबह का हमने, अभी बस पहुँचे यहाँ पे, अभी देखते हैं क्या बना है यहाँ पे, क्या बना है, बना के देते हैं हमें, अंदर जाके चलेगा पता। यह हमारी बाइक, तो बाइक का हाल देखो, कीचड़ से भरी है, बैग भी मेरा कीचड़ से भरा है, ये देखो, बाकी एक मैं बचा हूँ कीचड़ से भरने को, ये देखो सब भरे हैं। आओ अंदर, यहाँ पे खाना तैयार ही नहीं है, बस निकलते हैं अभी यहाँ से, तो खाना तैयार नहीं है, तो अभी बस निकलेंगे यहाँ से, तो वहीं आगे देखते हैं कोई ढाबा वगैरह, बोले 12:30 बजे तैयार होगा, तब हम श्रीनगर भी क्रॉस कर चुके होंगे। तो अभी बस निकलते हैं यहाँ से, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो आगे रुकेंगे श्रीनगर में, मेन में कहीं देखते हैं, कहीं मिले तो खाने को कुछ। फिर मैं, ये देखो ये अजीब लग रहा है, ये देखो अजीब सा लग रहा है, चलो बढ़िया है जो भी है, भूख भूख भी लगी है अभी, मिल जाएगा आगे जाके, देखते हैं उसके साथ।